हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को लेकर बयान दिया था। इसके बाद भलाई समाज ने भी गुड्डू के बयान की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और चुनाव में इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा कि गुड्डू इस बयान पर माफी मांगे। शुक्रवार को अखिल भारतीय भलाई महासंघ की महिला अध्यक्ष लता मालवी ने सांवेर कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। दलित समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि दो दिन पूर्व गुड्डू ने भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार पर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद से समाज में आक्रोश है। सांवेर विधानसभा के सभी भलाई समाज के लोग उपचुनाव में गुड्डू के विरोध में अपने मत का उपयोग करेंगे। और मैं बता दूं आपको कि करीब 25 साल पहले सुखराम पासी करके एक मशहूर चोर हुआ करता था, तो उनका जो 50 किलो सोना था वो 50 किलो सोना उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को संभालने दिया था। चूँकि सभी जानते हैं कि वो टेम्पो में क्लीनरी करते करते आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, उन्होंने वो 50 किलो सोना पूरा गबन कर लिया उसका और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका एम सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करना है और ये बंदे का एम जो है प्रेमचंद गुड्डू जी का, इनका एम है राजनीति करके पैसे कमाना। गुड्डू के बयान के विरोध में भलाई समाज ने भी कई आरोप लगाते हुए गुड्डू का इतिहास काला बताया है, साथ ही गुड्डू से माफी मांगने की भी मांग की है। और अभद्र भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, क्योंकि हम बता दें कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज परमार जी, वो अब पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो पूरे दलित समाज की प्रॉपर्टी है। तो ये आरोप जो उन्होंने लगाए हैं मनोज परमार जी पे, वो सिर्फ मनोज परमार जी पे नहीं लगे हैं, संपूर्ण दलित समाज पे लगे हैं। तो उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है, वो उपयोग करने से पहले उन्होंने सोचना था कि हकीकत में क्रिमिनल कौन है। क्रिमिनल तो वो खुद है।